पत्ता गोभी यानी कैबेज अच्छी सब्जी है, हेल्दी भी है, आप में से कई लोगों की फेवरेट भी होगी। पर जब अगली बार आप बाजार जाएं पत्ता गोभी की सब्जी खरीदने, तो आज के एपिसोड में हम जो बातें बताने वाले हैं उनका ध्यान जरूर रखिएगा। कुछ दिन पहले एक्स, जिसे आप पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर एक डॉक्टर साहब ने ट्वीट किया। ये रहा वो ट्वीट। इसमें डॉक्टर वीएन मिश्रा ने बताया कि पत्ता गोभी के पत्तों में मौजूद कीड़े कैसे पहले आपके पेट के जरिए शरीर में घुसते हैं, फिर आपके दिमाग में जाकर मिर्गी का कारण बन सकते हैं। ट्वीट में डॉक्टर वीएन मिश्रा ने एक वीडियो लगाते हुए ये भी जिक्र किया कि पीजीआई चंडीगढ़ के न्यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टर मनीष मोदी ने पंजाब और चंडीगढ़ से कई हिस्सों से पत्ता गोभी को काट कर पत्तों पर मौजूद इन कीड़ों के अंडों को जब लैब में टेस्ट किया तो पता चला कि कैसे ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये तो ध्यान देने वाली बात है। कुल मिलाकर अगर आप पत्ता गोभी खा रहे हैं तो जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं या फिर बाहर से कुछ भी ऑर्डर करते हैं, तब सलाद और ख़ास तौर पर चाइनीज फूड में पत्ता गोभी का अच्छी खासी मात्रा में इस्तेमाल होता है। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि पत्ता गोभी के कीड़े शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आपके दिमाग तक कैसे पहुंचते हैं, और इस सब्जी को पकाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पत्ता गोभी या कोई सब्जी के खाने के कारण किसी पेशेंट को दिमाग में कीड़ा चले गया है और उसके कारण उसको मिर्गी हो रही है। पत्ता गोभी और बहुत सारी वेजिटेबल्स हम लोग के इंडियन डाइट में कॉमनली पाया जाता है, चाइनीज़ फूड में, या कोई सैलड्स खा रहा है तो सबवे से सैलड लेके खाना बहुत कॉमन है हम लोग के लिए। बट ज़रूर ये एक तरीके की बीमारी क्रिएट कर सकता है अगर हम लोग कुछ हाइजीन और कुछ एक पर्टिकुलर तरीके को फॉलो अगर नहीं करते हैं। कॉमनली ब्रेन में ये कीड़े के होने के कारण ब्रेन में एक गांठ बनती है, उसके आसपास सूजन बनता है, जिसके कारण हमें सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या प्रकार के होते हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम इस दिमागी कीड़े का या न्यूरोसिस्टिसरकोसिस या NCC का मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है सीजर्स या मिर्गी के दौरे या फिट्स जिसको कहा जाता है, और ये 70% ऑफ द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में, मतलब 70% पेशेंट्स में ये कॉमन सिम्टम्स हमें मिलते हैं मिर्गी के दौरे के। उसके बाद और क्या कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं? सर दर्द हो सकता है मरीज को, या ब्रेन के जिस इन्वॉल्वमेंट, जिस एरिया के इन्वॉल्वमेंट के कारण ये दिमागी कीड़ा बना है उस पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका कॉमन जो रूट होता है फीको ओरल, या आप जो बेसिकली जो आप खाना खा रहे हैं आप मुंह से इंजेस्ट करके आप पेट में लेते हैं और फिर वहीं से वो जो ये जो कीड़ा होता है वो ब्रेन में जाके इस तरीके की कीड़े की गांठें करता है। सो कॉमनली आप अगर इस कीड़े को अगर देखते हैं, लार्वा है, वर्म स्टेज है, तो ये जो लार्वे होते हैं, जो कीड़े की जो अंडे होते हैं पत्ता गोभी में या गोभी में, उसके खाने के कारण वो लार्वे या जो अंडे होते हैं वो ब्रेन में जाके इस तरीके के सिम्टम्स करते हैं। उसके अलावा और क्या क्या एरियाज है जहाँ पे ये कीड़ा हमें पाया जाता है बॉडी में? तो एक तो मैंने आपको ब्रेन बताया ही है, ब्रेन के साथ ही जो कनेक्टिंग स्पाइनल कॉर्ड होती है जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी से जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में मिला जाता है, आईज में मिला जाता है जो हम एक ऑक्युलर अल्ट्रासाउंड करके हम पता कर सकते हैं, और मसल्स में कॉमनली मिला जाता है जिसको हम कहते हैं मायोसिस्टिसरकोसिस। ब्रेन में अगर कीड़ा ये हमें अगर डिटेक्ट करना होता है तो कॉमनली पेशेंट हमारे पास अगर सिम्टम के साथ आता है कि दौरे हुए हैं, हेडेक्स बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट रह रहे हैं जो नॉर्मल हेडेक से अलग लगते हैं, तो हम एक MRI करते हैं इस कीड़े को डिटेक्ट करने के लिए। इसकी ट्रीटमेंट वेरी वेल अवेलेबल है। जो भी NCC या न्यूरोसिस्टिसरकोसिस दिमागी कीड़ा सिम्टम्स हमें करता है, सीजर्स करता है, हेडेक्स कर रहा है, उसके हम MRI करवाते हैं, उसमें हमें दिखती है ये गांठें, तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर वो क्राइटेरिया पेशेंट मीट करता है तो हम लोग कीड़े मारने की दवाइयाँ अलॉन्ग विथ स्टेरॉइड्स पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। हर NCC केस में हम लोग कीड़े मारने की दवाई नहीं देते हैं, उसमें से सबसे बड़ा केस जो रेड फ्लैग साइन होता है कि अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल कीड़े होते हैं अगर ब्रेन में, जिसको स्टारिस का अपीयरेंस भी कहा जाता है MRI में जो फाइंडिंग होती है, तो उस केस में हम लोग कीड़े मारने की दवाई नहीं देते हैं। या फिर अगर ऑक्युलर अल्ट्रासाउंड हो या ब्रेन के पानी में कहीं जो वेंट्रिकल्स होते हैं वहाँ पे हमें कहीं सिस्ट मिले, तो उन केसेस में हम लोग जनरली मेडिकेशंस अवॉइड करते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशन का रिस्क रहता है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो कीड़ा है ब्रेन में कितनी देर रहता है,
तो नॉर्मली इस कीड़े की जो लार्वा है जो ब्रेन तक पहुंचता है जो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं और उनमें से 3 स्टेजेस में ये एक्टिव रहता है जिसमें ये सिम्टम्स कर सकता है और 4th स्टेज में ये कैल्सिफाई होके मर जाता है। उस स्टेज में जनरली हमें सिम्टम्स ज़्यादा मिलते नहीं हैं, बट मान के चलिए कि ये कीड़ा ब्रेन में सालों रह सकता है और वो किसी भी स्टेज पे सिम्टम प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट को। अगर ऐसे किसी के साथ होता है तो वो डेफिनेटली अपने न्यूरोलॉजिस्ट से आके मिले एंड टाइमली इन्वेस्टिगेट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, अदरवाइज इट कैन स्टे अप टिल 5 ईयर्स 10 ईयर्स कितना भी लंबा ये सिस्टी सरकाए ब्रेन में रह सकता है। इंडिया में लैटिन अमेरिका में या जहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जहाँ पे हाइजीन अच्छा नहीं है ये कॉमनली पाया जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग खाने से पहले अपना हाथ धोएं, खाना पकाने से पहले अपने हाथ धोएं। पत्ता गोभी या गोभी के फूल खरीदने से पहले क्या हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, पकाने से पहले इसको हम प्रॉपरली वॉश करें, पत्ता गोभी हो या गोभी उसको प्रॉपरली आप वॉश करिए, उसके बाद जब आप इसको कुक कर रहे हैं तो ये प्रॉपरली कुक्ड हो, अनकुक्ड या हाफ कुक्ड नहीं रहना चाहिए क्योंकि जब आप इसको प्रॉपरली कुक करते हैं तो ये अंडे मर जाते हैं। सो यही कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर आपको अगर न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस या ये दिमागी कीड़ा हो चुका है तब तो आपके केस में आप अवॉइड करिए कि आप बाहर का अनकुक्ड वेजिटेबल्स या अनकुक्ड सैलड लें, ठीक है। कुक्ड वेजिटेबल्स या कुक्ड फूड आप ले सकते हैं बट अनकुक्ड या रॉ वेजिटेबल्स या रॉ सैलड्स आप अवॉइड करें। देखिए, आपको कोई भी सब्जी छोड़ने की ज़रूरत तो हरगिज नहीं है, बस पकाते वक्त सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये देखना है कि सब्जी कच्ची ना हो और अगर बाहर से कुछ ऐसा मंगवा कर खा रहे हैं जिसमें इसका इस्तेमाल हुआ है तो ये देख लीजिए कि वो खाना जो है वो अच्छे से पका हुआ हो, बस बाकी नो टेंशन। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या आप जानते हैं कि सुबह आपकी हाइट रात के मुकाबले ज़्यादा लंबी होती है? कसम से ये जो अपना शरीर है ना, क्या कमाल की चीज़ है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं इसमें, मतलब कोई साइंस फिक्शन फिल्म फेल हो जाए। क्या आपको ये पता है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आप ज़्यादा लंबे होते हैं शाम के मुकाबले या फिर रात के मुकाबले, और वो भी लगभग 1 सेंटीमीटर। मतलब आपकी हाइट सुबह ज़्यादा लंबी होती है। ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर गुरिंदर बेदी से। दरअसल आपके शरीर में कार्टिलेज होते हैं, ये एक तरह के टिश्यू होते हैं। नहीं, ये वो हाथ साफ करने वाले टिश्यूज नहीं हैं, इनको हिंदी में कहते हैं ऊतक। बड़े लचीले होते हैं, इनका मेन काम होता है 2 हड्डियों को आपस में जोड़ कर रखना, जैसे आपकी कोहनी में या फिर घुटने पर। अब शरीर में कई जगह ये कार्टिलेजेस होते हैं और इनमें होता है पानी और फ्लूइड, इसी की वजह से ये लचीले रहते हैं। अब डॉक्टर साहब बताते हैं कि दिन भर आप चलते फिरते हैं, काम करते हैं, इन पर पड़ता है जोर यानी प्रेशर, तो ये कार्टिलेज जो है वो सिकुड़ जाते हैं। इसमें जो पानी होता है वो दिन भर में कम होता जाता है क्योंकि आपके शरीर का भार पड़ता है इनके ऊपर। नतीजा आपकी जो हाइट है वो थोड़ी सिकुड़ सी जाती है। जब आप सोते हैं इन बेचारों को मिलता है आराम, ये फिर अपना आराम से पसर जाते हैं, वापस तंदुरुस्त बन जाते हैं। नतीजा आपकी हाइट हो जाती है थोड़ी सी लंबी। अच्छा, ऐसा सिर्फ कार्टिलेज के साथ नहीं होता है, आपके पीछे जो डिस्क है ना उसमें भी सेम यही चीज़ होती है। दिन भर ये भी सिकुड़ जाती है और इन वजहों से आपका कद लगभग 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। समझे, अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। आप फल तो खा रहे हैं पर क्या इनका पूरा पोषण आपको मिल पा रहा है? फलों का पूरा फायदा मिले इसके लिए टिप्स ट्राई करिए। अच्छी हेल्थ के लिए फल खाना ज़रूरी है, हर डॉक्टर और डाइटिशियन ये सलाह आपको देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो फल खा रहे हैं उसका पूरा पोषण आपको मिल रहा हो। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है पर ये सच है। पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कुछ ऐसी टिप्स शेयर की हैं जिनको फॉलो करने से आपको फलों का पूरा पोषण मिलेगा। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा के मुताबिक एक्सरसाइज करने से पहले सेब पर दालचीनी का पाउडर छिड़क कर खाएं। इसके अलावा आप चाहें तो कद्दू या फिर खरबूजे के बीजों को पीस कर 1 चम्मच पाउडर सेब पर छिड़क कर खा सकते हैं। दरअसल सुबह एक्सरसाइज करते वक्त आप खाली पेट होते हैं, ऐसे में सेब खाने से एकदम से ब्लड शुगर बढ़ सकती है। दालचीनी का पाउडर ब्लड शुगर को उछलने से रोकता है। साथ ही 1 चम्मच पीनट बटर के साथ भी आप सेब खा सकते हैं, इससे आपको सेब के विटामिन और फाइबर के साथ साथ मूंगफली का प्रोटीन भी मिलेगा। जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो रहा है या हार्मोन से जुड़ी कोई समस्या है तो
अनार आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। अनार को आप एक चम्मच रोस्ट किए हुए अलसी और कद्दू के बीजों के साथ खाइए। अनार में विटामिन सी, कम कैलोरीज और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, साथ ही ये सूजन को भी कम करता है। वहीं कद्दू के बीज आयरन और एनर्जी से भरपूर होते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।